मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल लाया जाएगा, जिसे लेने के लिए आज यूपी पुलिस पंजाब के लिए रवाना होगी। मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल लाया जाने वाला है। इसे देखते हुए बांदा जेल को किले में तब्दील किया गया है। जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर और सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। मुख्तार अंसारी को अलग सेल में रखा जाएगा, जिसके लिए बांदा जेल की बैरक नंबर 15 और 16 को तैयार किया गया है, क्योंकि वो जेल में बंद दूसरे कैदियों के लिए खतरा हो सकते हैं। ऑडिट में इस बात की हिदायत दी गई है कि एंट्री पॉइंट पर जल्द से जल्द अपग्रेडेशन की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर कोई कैदियों से मिलने आ रहा है तो उसकी आईडी की पूरी जांच होगी। जनवरी 2019 से पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही बंद था। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बांदा अगर जेल की बात करें तो आप देख सकते हैं बांदा की जेल है। यहां पर एक अलग से व्यवस्था की गई है, फोर्स तैनात की गई है। हालांकि जेल में जो पहले सुरक्षा व्यवस्था थी उससे बढ़ाकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जिला प्रशासन की बात करें और जेल प्रशासन की बात करें तो सभी लोग सुरक्षा व्यवस्था पर जोरों से लगे हुए हैं। हालांकि लगभग रोपड़ जेल, पंजाब की रोपड़ जेल जाने से पहले मुख्तार अंसारी बांदा में लगभग 2 साल तक यहां रहा है। बैरिक नंबर 16 में ही मुख्तार अंसारी को रखा गया है। लेकिन अब पंजाब की रोपड़ जेल जाने के बाद मुख्तार अंसारी जिस तरीके से तमाम दावे कर रहा था कि जान को खतरा है यूपी में और पंजाब सरकार कह रही थी, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की, जिसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी शिफ्ट करने की बात निकलकर सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माफिया मुख्तार अंसारी जल्द ही बांदा की इसी जेल में नजर आएगा। हमारे साथ आईजी केशव है। सर, आपने जेल का निरीक्षण किया, क्या कुछ सर बात हुई आपकी, क्या कुछ व्यवस्थाओं पर देखी आपने? हम और डीएम साहब और कप्तान साहब मिलके ये जेल का निरीक्षण किया। वहाँ जेलर साहब भी थे और जेल के अंदर पूरा सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा लिया गया था। वो बहुत अच्छा तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जेल के बाहर गेट के पास ही एक पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई और पुलिस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही का तैनात कर दी गई। वहाँ जो है एक हमारा डेढ़ सेक्शन पीएसी भी वहाँ मौजूद मिले और उनको भी कुछ निर्देश दे दिया गया। जो मेन गेट है, मतलब जो रोड के बगल वाला जो गेट है, वहाँ एक चेक पोस्ट टाइप का एक स्थापित करके वहाँ बैरियर लगा के वहाँ चेकिंग करने का भी व्यवस्था कर दी गई। और बाकी बाहर और अंदर हर जगह पर सीसी कैमरा उनका सारा चीज़ व्यवस्था का देखा गया है। तो पूरा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी गया। सर, टीम रवाना हो रही है, जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपके द्वारा एक टीम भेजी जाएगी। सर, कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे और क्या कुछ उस पर व्यवस्था होगी, स्क्वाड वगैरह क्या कुछ, कितनी फोर्स जाएगी? नहीं, ये जो टीम वगैरह जो जाएगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये जा रहे हैं और जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी के साथ एम्बुलेंस भी जाएगी, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चले जाएगी। सुप्रीम